हे भगवान, जिंदगी भर कहां से काटा था हमका। भगवान ऐसा किस्मत बदलने वाले, गांव में गुलामी करत रानी, इतना ही गुलामी करे के पड़ा था। भगवान ऐसा किस्मत क्यों के न देगा। काए मैनेजर साहेब, शादी सुदा हो के लाइन मारतनी तो का करी। 6 महीना हो गेल मेहरारू के नैहर गइला, तनी देख के अकिया सेक लेता नी, तनी मन के शांति हो जाओ। कुका करता रह जा। का करिए मैनेजर साहेब, हम जब एकरा के देखे नीनू त हमरो मनवा में कुछ कुछ होखे लागेला। आ करे जब ठप ठप करे लागेला, आ मन करे नानू कि एकरा के पकड़ के चबा दे। मैनेजर साहब, अरे क्यों देख ली, चुपचाप रहो, देख के हुआ। चल 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 चल। ई घर के चमक दमक देख के हम सोचा था नी कि कहिया ई घर पे हमनी के राज करब। भैया, हमनी तो ऐसा साफ बनी जा जेकरा कटला के बाद लोगन के पानी भी नसीब ना होके। और ई काली पांडे आज नहीं तो काल हमरा उंगली पर नाचे जरूर, और हम नचाई। और का, हमने के खाली घर में काम करे अलवानी। अरे हमने तो ई घर में राज करे अलवानी। राज सबसे पहले ही दोनों बचपन के अपना रास्ता से हटावे के पड़ी। ओकरा बाद रहल बात यशोदा की, तो पचवन के शोक में तो असहाय मर जाए। ओकरा बाद हमर बहिन मेनका बन के काली पांडे के अपना बस में कर, और सारा धन संपत्ति हमनी के नावे हो जाए। भैया, ऐसा हो सकेला का? काहे न हो सकेला। अरे घर में जब से आयल बानी तो रोज सपना देखत आनी, घर बार हो गई। लेकिन एक बात बा भैया, यशोदा दीदी के मरला के बाद उनकर देह पर जितना सोना चांदी के गहना बा वो सब हम पहिरे। अच्छा, हाय देखा बउआ भइल ना, इंदिरा पहले चाहिए। अरे पहले काम तो होवे दा, काम हो जाए तो देखल जाए। भैया बोला, हमनी के पहला मिशन बा शिवा और ज्योति के रास्ता से हटावे के। बिहने दूध में जहर मिला के ओकनी के पिला दे। आप तो हार दोनों बच्चा बड़ा हो गए यशोदा, अब ये दोनों जाने की स्कूल भेजल जरूरी बा। बेटा स्कूल जाएगी ना। गुड दीदी जाजी। अरे ज्योति के दूध पिला देता नहीं। जा मौसी से दूध पिला। दूध देख लो यशोदा। अरे तहार बहिन कितना प्यार करता रही हमनी के बच्चा से। तहार बहिन ही कहावत सत्य कर देली कि माई में या मौसी में कोनो अंतर ना हो। कितना बड़ा आनंद हो जाता आज। नहीं देना, आज से सांप के दूध लाल बाज
सांप तो सांपे न हो गया। ए जीजा कहावत सुन ले बानी नू कि सांप के दूध पिया आई तो एक ना एक दिन दस्त। हम तो कहत हनी कि कोनो सपेरा के बोलवा के इ कुल सापन के ओकनिए के हवा ले कर। अरे बता ये नाग देवता हमनी के कुल देवता होंगे, जरूर कोनो ना कोनो बात इसे वहां के हमनी के दर्शन दिले। जे भी होके गलती सही भगवान हमनी के माफ करस। जय हो नाग देवता की, जय हो नाग देवता, जय हो नाग देवता की। बेटा राशिद। बोलिए अब्बा जान। अब इस दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बनने से हमें कोई नहीं रोक सकता। हमें इच्छाधारी नाग नागिन का पता चल गया। अब मैं हिंदुस्तान को बर्बाद कर दूंगा, तबाह कर दूंगा बेटा, तबाह कर दूंगा। लेकिन अब्बा जान, आप इतने बड़े हिंदुस्तान में उस इच्छाधारी नाग नागिन को आप कैसे ढूंढ पाओगे? हिंदुस्तान में एक छोटा सा राज्य है बेटा, झारखंड। वहीं इच्छाधारी नाग और नागिन हमें मिलेंगे। अब मैं हिंदुस्तान जा रहा हूँ बेटा, उस नाग और नागिन को लाने। खुदा हाफिज बेटा। खुदा हाफिज अब्बा जान। आज तब बाल बाल बच गई भैया, पता ना उस सांप कहाँ से आ गई और हमने की प्लानिंग पर पानी फेर देलस। जायदा जान बचल तो लाखों पैनी। रउआ लोगन के जान की चिंता बा, हमरा दीदी के हार की चिंता बा। पता ना दीदी के हार हम कहिया पहिरब। इनका के देखो, सोना रहा गेल आ कोयला पर छापा। नहीं कुछ समझ में नहीं आवत, हमने के जान जाता नहीं, इनका हार में प्राण लटकल बा। अगर दोबारा बोलू ना हार के बारे में तो मार के मुंह फोड़ दे। जायदा भैया झगड़ा मत। अरे भैया एगो बहुत बड़ खुशखबरी बा। का भरावन का? आज पूरा परिवार जेबानु देवघर जाता और हम ई गाड़ी के ब्रेक फेल कर दे। आज पूरा परिवार के कहानी खाता। शाबाश, अब बुझाता कि तू हमारा असली भाई। इतना अच्छा तो काम कर ले बाबा। काली बिहान की बात पूरा प्रॉपर्टी पर हम निकाज होई। ये भाई लो बात। मैनेजर साहब। जी मालिक जी। हम फाइल पर साइन कर देनी है। फाइल ले जाके धनबाद पहुंचा दी। हम जाता नहीं देवघर, रहुआ दोनों जने चल नहीं पलामू। वहां से हिसाब किताब जोन भी हो के हमरा के फोन करी। हम फोन में समझा देम कि आगे का करे के बटे। प्रणाम प्रणाम। क्या बात बस, सारा गिरोह यहाँ भोरे भोरे खड़ा बा। अरे जीजा जी, अभी घर के जिम्मेदारी हमारे के ना बा। बिल्कुल यहाँ से काम थोड़ा ना चली। आज्ञा दी ना हमने खातिर का आदेश। अरे वो लोग नहीं कि हमका आज्ञा दी। ये घर राउर लोग के बा, हमने के देवघर जाता नहीं, दो दिन के बाद लौट गया। तब तक लिए घर के सारा देख रेख रउआ लोग नहीं करे के बा। आराम से जाए, घर के सारा जिम्मेदारी हमने के बा, घर के बाल बाका भी नहीं। अरे दीदी पहले तू देख लो अपन भाई लोग के। आज ये सारा जिम्मेवारी लोग निभाओ था कि ना। खूब बढ़िया से ध्यान रखिए लोग। बाय 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 जीजा जी, हमेशा के खातिर। एक बात कान खोल के सुन ल जा, आजे से रोबे के प्रैक्टिस शुरू कर दे जा। ऐसे कि काल खबर मिलला के बाद जब छाती पीट पीट के चिल्ला चिल्ला के ओढ़निया ओढ़निया के रोब जा, तो दुनिया के ई लागे के चाहे कि एकनी के मरला के बाद सबसे ज्यादा दुख हमनिए के भइल बा। तू लोग ई बात के बिल्कुल चिंता मत करिया, काहे कि ड्रामा करे में हम पीएचडी कइले बानी। अब तो दीदी वो सोना के हार जल्दी से हमरा के पहने के मिल जाए। अरे काहे ना, चला 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 चला। हाय देखा भिखारी के बेटे, चल।
हाँ मालिक, सब ठीक हो गए मालिक। अरे भैया काहे परेशान होता रहे? अरे ऐसा काम कर देले बानी कि अगला 7 जन्म तक ओकनी की आत्मा है घर में ना भटकी। लेकिन भैया मरे के तो अभी तक कोनो खबरें नहीं खे आई, मर तो गई हुई सन्ना। हमरा तो बड़ा डर लगा था। बुलावन पाड़े हमार नाम हो, हमार काटल पानियों ना मांगेला। सही बात, अभी तक उन लोग के राम नाम सत हो गए लोग। अरे भैया नाम ले ला, हो देखा लाश हाजिर हो गई, देखा देखा देखा। आगे लाश। पकावन, गाड़ी तो सही सलामत लोग। दीदी भैया तो साचा हूँ जिंदा बाड़ सो, लेकिन ये बात कैसे गिल सो। आओ यशोदा, आओ। अरे ये तो हमरा नहीं के बुझात, कैसे जिंदा बच गए सर? हमरा तो जिंदगी में लगा था कि घासे काटे के लिखल बा। पकावन कैसे ब्रेकवा फेल कर ले रहे रे? भैया हम तो साचहू ब्रेकवा सही में फेल कर ले रहनी, लेकिन ये सब कैसे बच गई लन सा, ये तो हमरा खुदे नहीं के पता चला। का जाने भगवान का कर दे ले। लेकिन भैया एक बात तो तय बा, कोलहन के मौत ना हमरे हाथे लिखल बा। तेरे कुल देवता नहीं है, ये एक इच्छाधारी नाग और नागिन है। मैं इन्हें पाकिस्तान लेके जा रहा हूं और इनसे ऐसी दवा तैयार करूंगा जिससे तुम्हारा हिंदुस्तान तबाह और बर्बाद हो जाए। पाकिस्तान तू जो नाग देवता के बीच से
सारा हिंदुस्तान के तबाह करके सपना देखता रे। तनी सोच 125 करोड़ जनता के भीतर कितना ताकत होई। सारा हिंदुस्तानी तोरा देश के तरफ मुंह करके फूक दिनो तो तोर पाकिस्तान के दुनिया से नामो निशान मिट जाएगी। और जब तू लटके तो तोर खून पी जाए। तुम्हें और तुम्हारे नाग देवता में अगर इतनी शक्ति है तो मुझे रोक के बताओ। मैं इन्हें पाकिस्तान लेके जा रहा हूँ। मलकिनी के मरले 13 दिन भी ना भाई और एकनी के जाल बिछावल शुरू कर दिला सन। भगवान एकुल के कब माफ ना करिया पिलुआ भरी एकुल के पिलुआ। ए सनीचरी अब हमार जीजा जी के सेवा के करी। हमने के जीजा जी तो भरल जवानी में बेसहारा हो गई नी। छोटन बच्चा के कौन खियाई कौन पी आई कौन चुताई आई हो दादा। ऐसा काहे बोला था भैया जीजा जी के। हमरा रहते ये घर के खुशी केहू नहीं के छीन सकत। अगर जीजा जी चाहिए तो हम इनका दोनों बच्चा के मौसी से महतारी बने खातिर तैयार बनी। वाह एकदम सही बात हो। रवा जैसा त्यागी दुनिया में केहू ना होगी केहू ना होगी। जीजा जी रवा हमार दीदी से शादी करे खातिर तैयार हो जाएं। चुपा अभी जा लोग नहीं चुपचाप यहाँ से जा लोग नहीं जा। चलो दीदी चलो भैया चलो अभी जीजा जी के चलो ठीक नहीं खेला बाद में हॉस्पिटल के पास ही बोल दे। चलो 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 लोग। हे नाग देवता ई जालिम सबन से अब रहुए ही घर के बचा सके नी कृपा करी। छोटन बच्चा के कौन खियाई कौन पी आई कौन चुताई आई हो दादा। ये घर के खुशी क्यों नहीं के छीन सकत। अगर जीजा जी चाहिए तो हम इनका दोनों बच्चा के मौसी से महतारी बने खातिर तैयार बनी।
एकदम सही बात हो। जीजा जी, रवा हमार दीदी से शादी करे खातिर तैयार हो जाए। जीजा जी, ये का हालत बनवले बानी? कब तलक दीदी के याद में ए तरह तड़पत रहब? सनिचरी। हाँ जीजा जी। पकावन ठीक कहा तारे, दोनों बच्चा के माई के जरूरत बा। हमने की चाहत कि हमार बच्चा सबके अनाथ के जिंदगी जिए के पड़े। का तू हमरा बच्चा सबके माई बने के तैयार बाड़ू? काहे न जीजा जी, हम राव और राउर दोनों बच्चा के जिंदगी भर ख्याल रखब, इतना प्यार दे कि दीदी के याद कबो ना आई। तो जीजा जी काहे कहा तारू, आज से तू हमरा खातिर हमारी यशोदा पढ़ू, आज से तू हमारे दोनों बच्चा के माई हो। सनिचरी, मौसी और मतारी में कोनो अंतर ना होके आज से हमारे दोनों बच्चा के हमरा कभी यशोदा के कमी ना। हम तो ऐसन ख्याल रखब कि तोहार जिंदगी के नरक बना दे। अब ये घर के असली मालकिन हम हैं। हे भगवान, कैसन जमाना आ गई। हम पहले स्टेट के मैनेजर रहनी, आज घास छिलता नहीं। कार्य असिस्टेंट वा कहा बने रे? हम एने बानी मैनेजर साहेब। काहे चिलात बानी? का कही, कबो हम स्टेट के मैनेजर रहनी और ते असिस्टेंट मैनेजर रहले। कैसन भगवान समय बदल दिहलन कि आज हमनी के घास काटत बानी। हौ देख, हौ गोबर काढ़े वाला अनपढ़ गवार अब स्टेट के मालिक हो गइल बा। उल्टा पेपर पढ़ता उल्टा। अरे मैनेजर की सरकार, एने आओ। आगे नहीं सरकार, आगे। हम बोली सरकार, बोलल जा। का हाल बा देश की? सरकार, पेपर रउआ पढ़ता नहीं और देश के बारे में हमरा से पूछता नहीं। सरकार, पेपर वा उल्टा बा। ये हमार मजाक उड़ा होता है। आता ना जूता मारम के कपार पर से केस उड़ जाए। ले, पकड़, पढ़ कर सुनाओ। हाँ हाँ, पढ़ी 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 मैनेजर साहब, पढ़ के सुनाई सरकार के। सरकार खाली अंग्रेजी अखबार पढ़ी नेनू। पढ़ा तरह के दो चार लपड़ दी तोरा के। पढ़ता नहीं। रामगढ़ जिले में दो भाइयों ने अपनी बहन की सारी संपत्ति हड़पने के लिए अपनी चचेरी बहन की हत्या करके अपने बहनोई से करवा दी और शादी के बाद अपने बहनोई का भी हत्या का प्लानिंग किया। पुलिस दोनों भाइयों को पकड़ के लात जूता डंडों से इतनी पिटाई की कि उसका हौगल मुतल सब बंद हो। हमने के खबर अखबार में कैसे छप गए? सरकार, रउ माथे पे हाथ धर के क्रिया खा के कहता नहीं सरकार। अगर रउआ के नहीं के विश्वास तो रउआ पेपर में पढ़ के खुदे देख ली सरकार। अरे सरकार, अगर पढ़ लिखल रहती तो खुदे ही ना पढ़ लेती। फाड़ के फेंक दस नहीं अखबार के। और ध्यान रहे, ये हवेली में कोनो अखबार उखबार ना आवे के चाहे। जा सन अपन अपन काम करा सर। जी सरकार, जी सरकार। चलो चलो असिस्टेंट। शिवा, एक घंटा पहले तोरा के जूता लावे के कहले।
इतना देर का है भैल रे? मामा बड़का मामा के साबुन लगा के नहावत रहनी हो। जबान लड़ावत रे? हमरा से छोड़ दे तोरा। जूतवा कौन पहने रे? तोर बाप। जल्दी पहनाओ। हम पहनाओ तेरी मामा। पैर में नाखून गड़ा दिले। हाँ बोल। मासूम पे कितना अत्याचार हो रहा बा। जे घर के मालिक बा ओकरे के नौकर बना के रख दे बाड़े सन, और जे घर के नौकर बा आज मालिक बन के राज करता था। बड़का मामा रख के बचा लो। बड़का मामा छोटका मामा रख के बहुत मारा तेरे मामा। हाँ दीदी, तोरो देह पिराता ता मालिश करवाला? ना दीदी, हम मेकअप करत बानी। ठीक बा, तनी जोर जोर से दबाओ। डेढ़ पसेरी खा लू आ मालिश करे में बाप मरता। जोर से लगाओ। माई का मालू, माई माई बचाओ हमरा के। माई देखो मामा लोग हमरा के मारत रे। माई कहां भाई देख। कमरा में बिना पूछे घुस के तोहरा के लाश देखे आवत? बिना पूछले कमरा में घुस गयी ले? तेल लगा पे हाथ छोड़ दे। भैया मारा एक रखे। मारा भैया जोर से मारा। माया लगा था भाई पर चिंता मत करा। हमनी से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए। चल पैर दबाओ। हाँ ए जोतिया लेके जोतरा। चलो आ गया से। चल 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 बैठा बैठा। दीदीया जब तक एकनी के ठोकाई ना करे लनु हमार हाथ के खुजलिए ना मिटेला। अरे ये तो कुछ दिन के बाद बा, फिर ता हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाए ये सब से। छोड़ दे हमरा बच्चा के, छोड़ दे हमरा बच्चा के। फिर बुढ़वा से लगल बा। अरे का मरदर से रे बच्चा के बुढ़वा के फिर मरमत करे के पड़ी। चल हमर दोनों बेटा बेटी के छोड़ दे। काय मरदर रे हमर बेटा के, हमर बेटा के छोड़ दे। हमर बाल बच्चा के काय मरदर रे, काय मरदर रे। बचाओ हमर बाल बच्चा के, बचाओ हमर बाल बच्चा के, छोड़ दे हमर बाल। अरे बुढ़वा रे बुढ़वा से लगल। अरे हम चले के पागल हो गेल बा। अरे ठीक करे पड़ी। तोहरा के बेटा के नाम पर वसीयत लिखे के
लेकिन अब चिंता करे के कौनो जरूरत नहीं खेली जाए वसीयत ट्रांसफर करे के तो लड़का की उम्र अब हो गई बा बस कुछ ही दिन के बाद बा जौना दिन तो लड़का इस संपत्ति हमनी के नामे कर दी ना वही दिन तोरा साथे साथे तोर बेटा और तोर बेटी के भी ट्रांसफर हो जाएगी। रे भगवान वो दिन याद कर जब दोनी के खाए के वो दाना ना रहे ये काली पानी दोनी के सरल दिले रहे ये काली पानी वो दिन बोर बना गए नजर में के कहलो रहे बिरनी के खोता में हाथ डालेगी अब शरण दे लो तो भोगा 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 ये कर गया मर बाल बच्चे के 20 साल से धोनी के हमरा के अपन बाल बच्चे से दूर रख ले पड़े रे तू धोनी के सौतेली मतारी आई तोरा दिल में दया नहीं के रे पति है द्वार पति पति है द्वार हम तो हर लड़का खिलावे खाती ना कहले रहे बल्कि तो हर प्रॉपर्टी खाती कहले बानी हमार नाम सनिचरी हा सनिचरी जौना घर में कदम रख लेली ना ओ घर में सनिचर ग्रह लग जाला अरे तोहरा जैसा बुढ़ा से शादी करके ता हम खुद पछताता नहीं और हाँ अब तू तीनों जने के मिलन ना ऊपर परलोके में होगी एक बात कान खोल के सुन ले अगर आपकी बेर चिलेले ना तो मुंह में कपड़ा ठूस के उल्टा लटका के मारब का बुझले चल रे भैया चल रे दीदी चल भाई चल चल रे मर बाल बचा के मत बनिया साथ मत बनिया बोली के डर से बेटा के नाम से वसीयत कर दे ले मर बाल बचा के मत बनिया भगवान मर बाल बचा के रक्षा करी कितना मरले बड़े सामरा भैया के बहुत दर्द होता ना भैया मार खात खात पूरे देह पर ठेला पड़ गई बा ज्योति हमरा अपना घाव के दर्द देखे हो जब मेरी के तारा ऊपर अत्याचार करे हो सुनना तो कसम से करी जा फसल हम कैसे न भागा भाई बानी जे अपन बहिर के रक्षा भी देखे कर पाओ रुआ मत भैया रुआ मत एक दिन भगवान हमने की भी जरूर सुनिए सब सोच के लिए सर हम जाता रही तारा के कुछ खाए के लेके आ ना भैया तू मत जा यदि के तारा के ऊंचा देखी तो फिर तारा के सब मरी है सब मत जा भैया हम अपन आंसू पी के अपन पेट भर ले मत तू मत जा तू मत जा ओकरी के सूत के लिए सुन ज्योति भैया हम तारा खाती कुछ लेके आवत हनी ना भैया हम अभी आवत हनी मत जा तारा ला खाना हम लेके आवत हनी ज्योति तीन दिन से भूखे पड़ू तू पेपर सब तैयार हो गल नो पकावन अरे भैया वकील से मिलके एक हफ्ता पहले ही हम प्रॉपर्टी के सारा पेपर तैयार करवा ले रहनी शिवा के 24 साल के होखे में सिर्फ 3 दिन बाकी रह गई बा 3 दिन बाद ओकर अंगूठा के निशान लेहला के बाद दोनों भाई बहन के गाड़ी में बैठा के पहाड़ी से नीचे फेंक देवे के बाद बाकी लोग यह समझी कि दोनों एक्सीडेंट में मर गए मतलब कि हमने के 20 साल के तपस्या के फल 3 दिन में मिल जाए एक मतलब कि सारा संपत्ति पर हमने के राज हो जाए ई कैसा आवाज आए देखा देखा पकावन भैया देख क्या बता देखा
भाई देखो घर में चोरी कर अभी घर में चोरियों करे ला। अरे क्या कर रही सुहानी मेरे एक करता हाथ गोड़ बांध के गतरे गतरे लोहा से दागे के पड़े। हम चोरी ना करते रही मामा चोरिया तीन दिन से भूखे पिया मामा अगर हमारा के खाना ना दे बना कौन साल है मगर उनको भूखे मैं तो बताश ना होला दावा मामा दिन पे खाना खाइबा सन तई तो हवेली बिका जाई रे। आज के बाद तोहनी के हफ्ता में सिर्फ 2 दिन खाना मिली। और आए रे कौन हमनी के बतियावत रही जा ते सुन ले है कहा ना मामा हम कुछ ना सुन रही है बाबा ना सुन ले ना मामा पक्का के जान से मार दे यहाँ से काम के नक्काज के दुश्मन अनाज के सहारा मूड खराब का करत दलन सर चल दे दे चल चल बहुत तेज भूख लागल बा मुर्गा भात बनल बा भैया कले रलीना के मत जा हमार भूख तरह तकलीफ से ज्यादा नहीं के चोरी सरकार इली दोनों आदमी खाना खा लिए है जा तू हमरा के छोटे सरकार काहे कहला ते घर के नौकर है ना सरकार ये घर के असली मालिक तो रहुआ है सरकार ये झूठा बिल्कुल झूठा ये झूठ ना सरकार ये साच बा ये घर के लालच में रौर सौतेली मतारी और वो दोनों मामा राक्षस हो गई बा रउआ लोग के मारे के प्लानिंग बनौले बा हम कहे रउआ दोनों आदमी ऐसे ही से कहीं भाग जाई लो भाग नहीं है तो इसे ही घर छोड़ के भाग के कहा जाए मैनेजर चाचा एक मेरी भागे की कोशिश कैले रही मामा मार के हमार टंगरी तोड़ दलन अब हमरी के ना बच पावली जूती रउआ लोगन के केहू तरह भागे के पड़ी सरकार ना तो कभो भी आके रउआ लोगन के मार सकत रहसन सरकार मैनेजर चाचा सही कहत रे भैया इजा रख के मार खाइल से अच्छा बा कि हमने कहीं कहीं दूर चल चल जाओ कहीं ना कहीं कि वो ना कि वो हमने की जरूर मिल जाए चला चला बेजा ना रह जाए चला रुवा खाना तो खा ली सरकार दोनों आदमी खाना तो खा ली लोगी अतरा मार खाइल बारी मैनेजर चाचा तुम्हारे से पेट भर गई बा चला ज्योति ये नाग देवता ये लोगी की रक्षा करिए मैनेजरा जी सरकार सच सच बताओ शिवा के कहां भगले बारे हमरा कहां पता बा सरकार हमरा ते रोगवा लोगिन के चमचागिरी कैला से फुर्सत कहां बा हम ते रोगवा लोगिन के मुड़ी पे हाथ रख के क्रिया खाता नहीं सरकार अगर हम झूठ बोलत होखी तो रोगवा लोगिन के कोर फूट जाई आग बह जाई माने हमार सरकार एकरा के छोड़ा भैया दल बदलवा के का पता होगी उ बुढ़वा के जरूर पता होगी तू ठीक कहता रे बुढ़वे के टैग करके पड़े हाँ भैया अरे मैनेजरा जी सर कैसे ही शिवा के पता चली हमनी के खबर करिए चलो चलो भैया चलो बढ़िया से बारा मत कर दे तब वो बताएगी कहाँ भागी ले बा अरे काली पांडे तोहार बेटा बेटी हमनी के धोखा दे के भाग गए बोल कहाँ गए तुम्हार बेटा बेटी
भागल की तो इनको करके मार दला सन। एगो बात कान खोल के सुन ले, अगर हमार बेटा बेटी है कुछ हो गई लू तो तोरी का चिंता ना छोड़े। अभी तक ओकनी के मर ले नहीं जा हमरी के, लेकिन एक बात कान खोल के सुन ले, तोर जे बेटा बाना अभी तक प्रॉपर्टी के पेपर पे साइन नहीं कई तराफा से पूछा था ओकनी के पता बता दे, वरना एक टंगवा से ता लंगड़ कैले ही बनी, दूसर को टंगवा तोड़ के लंगड़ कर दे। ना बताए हम चार आदमियों के, ना बताए कि हमार बेटा बेटी कहाँ गई था। बहुत अच्छा भाई के तो नहीं सर, राक्षस के चंगुल से ओकनी के छुटकारा मिल गई। एकरा मरला से कोनो फायदा नहीं खे, पहले वो दोनों भाई बहन के ढूंढल जरूरी बा, एकरा से तो बाद में निपटल जाई। क्या करे सारी तेरी, छोड़ के पहले शिवा के पता लगाओ। चल चल चल, हमनी से बच के दोनों भाई बहन कहाँ जाए। भैया हमने के कहाँ चल जाए, भैया हमने के तो केहू नहीं खे, कोनो कोनो रास्ता नजर नहीं खे आवत। चिंता मत कर ज्योति, हम बानी नो नाग देवता जरूर कोनो ना कोनो रास्ता देखाई है, भरोसा रख ज्योति सब ठीक हो जाए। जंगल में इतना सुंदर नहीं ना, उठाओ ले। Oh!
करो ना। आप सबके बहुत बहुत धन्यवाद। अरे नगीना भैया के हो ये लोग, ये हालत के बनाई लस? अरे माई ये लोग यहाँ पे नया हो, बस यही से कुछ गुंडा लोग आके रखे हैं, परेशान कर रहे हैं। बस ऐसा मार मर ली ना उन लोगों को, किंतु ना नहीं आ रहा है। तोहने की कहाँ की बाड़ा? चाची, चाची के है जा। हम सिवा आई हमार बहन ज्योति ही है। मामा असौतेली महतारी के अत्याचार से हमने के घर से भाग गई नहीं जा। ए दुनिया में हमने दोनों भाई बहन के अलावा हमने के केहू नहीं के। ऐसा मत बोला बाबू, ऐसा मत बोला। तू दोनों जने आज से हमरा के अपन माई समझा। तोने के ऐसा करा हमार घर ना ए जाबा, ओइजा चल के बात कर जाए। माई का अगर तू कहा तो रांची इनका घरे जाके इनका मामा मामी के ठीक करके आई का। चुप, बड़ी भचर भचर बोला तारो तू। अरे तोहरा के हाथ और लात के अलावा और कुछ आवे लगा? माई आज के दुनिया में ना लोग खाली लात जूता के ही भाषा समझे ला। चुप 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 चल घर। भचर भचर कर। ए तू का मोगा लेखा चला ताड़ा? हाँ तनी मर्द लेखा चला। चल ऐसे बढ़िया से लगाओ जूती। हेने लगा का हो गई तोरा हाथ में? हेने 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 लगा हेने लगा। अरे हेनिया रे हाथ में दम नहीं का तोरा, का हो गई तोरा? हम ज्योति ना नगीना है। कपड़ा दो। बिना कपड़ा के तो तू बड़ा सुंदर लगता रे। हाँ हमर कपड़ा दो, हमरा लाज लगता। कैसन मरद बाड़ा? हाँ एगो लेकी से ले जाता रे, हम तोरा के कपड़ा पहरा देता नहीं। काहे का पता रे? हाँ तारा हाथ में करेंट बा, लगता कि परान निकल गई। तो सिर्फ हाथ चटने का तो तुहार ये हाल हो करता। सोचा जब तार से तार सटी तो तुहार का हाल होगी। हाँ बाप रे बाप, आग लग जाए, ब्लास्ट हो जाए। तो तनी सटावे ना आपन तार से तार, हम तो देखी कैसे हो करता। चुम्मा के बहाने तो काट लबा
ज्यादा था। दो। भैया हाँ? पानी और आ गई। भैया बोल। जब से ज्योति घर में आई भैया देखा था नहीं कि तुहार काम में मन नहीं खेला गत। कहता माई से बात चलाई का बोला बोल। मार का मुहर तोड़ दे। कुछ भी कहा भैया भौजी बड़ी नीमन भैया। पता तो ना चलल सरकार लेकिन एगो मौका और दी जिंदा या मुर्दा रहुआ कदमों में ला के हम डाल दे। मुर्दा ना रे कुत्ता जिंदा जिंदा चाहिए हमरा जिंदा। ठीक बात सरकार जिंदा हम जिंदा लेके आई। चल सर रे गाड़ी निकाला सन। इतना आदमी से काम न चली पागड़ भाई सरकार और आदमी के लेके जाए का। जितना आदमी चाहिए उतना आदमी लेके जाओ लेकिन ओकरा के हमर नजर के सामने लेके आओ। जा तू जल्दी। चलो 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 सन चलो। जे कहे के बहु कहे दा हमरा दुनिया से कोनो डर नहीं एगो चिन्ना दा ना। कोई बात मन बुझी प्यार में तोहरा नहीं के डियर हमरा तनिको रुचि। छोड़ हमर पीछा कोई बात मन बुझी प्यार में तोहरा नहीं के डियर हमरा तनिको रुचि। नहीं के रखा हो जाई कुछ गड़बड़ अगले मजा जन तू चाखा हो। आज नहीं मानम पिया कितना मना करबा आज नहीं मानम चाहे कितना
बार अभिन कके रहा साबर हो चौभर चौभर करे वाला हो ना हम लवर हो यह कोई सोची सोची कहीं आले दरबा यह कोई सोची सोची कहीं आले दरबा बियाह वगे बियाह वगे बियाह वगे बाद आखिर उहे करम करबा बियाह वगे बाद आखिर उहे करम करबा हो करबा समझला कि ना हो दिलबर जानी चाची हमें तुम्हारा से वो बात करे के बा अरे माई बोलिए चाची सीमा जो बेटा तो हर तो कोनो गार्जियन नहीं खे अरे चाची ऐसन काहे कहतर हमनी सब के गार्जियन तो तू ही न बाड़ू ता एगो बात कही हाँ कह ना मन बानू हाँ चाची बोला ता ठीक बा हम तोहनी चारों के बियाह करे के चाहता नहीं का विचार बा का माई नेकी और पूछ पूछ हां पगली और का जी रवा के ये रिश्ता मंजूर बने का हो तोहर का विचार बा I'm
प्रणाम सरकार, प्रणाम सरकार। हाँ जी सरकार, सिवा के पता चल गई। कहा भैया, शिवा के पता चल गए। तो टेंशन है, दूर हो गए। पूछ पूछ कहाँ बारे। ए कहाँ बा शिवा? ये डाल्टनगंज में बा, एगो बंजारन के घर में, जानकी देवी नाम है ओकर, ओकरे घर में रहला। शिवा ज्योति का बियाह होके जाता है। बियाह ना, ओकनी के श्राद्ध करब हम श्राद्ध। 10-12 आदमी जितना हो सके लेके जाओ और अपनी के पकड़ के नजर के सामने लेके आओ हमरा। ठीक है सरकार। और याद रहे, जे भी ओकरा बचावे खातिर आई ना, ओकरा के जिंदा काट दी है। मालिक, मालिक उठी मालिक। का बात हो मैनेजर साहब? खाना खा ले जाओ मालिक। ना मैनेजर साहब, हमरा भूख नहीं के। बड़े मालिक, एक बड़ा खुशी के बात बा। का? छोटे सरकार अज्योति दोनों जने जिंदा बा लो। का? ये तू का कहता मैनेजर साहब? ठीक कहता नहीं, हमारे बेटा बेटी जिंदा बा। तू कहीं मजाक तो नहीं उड़ावत? ना सरकार, हम कसम खा के कहता नहीं, हम मजाक अपने से नहीं की करत। उ दोनों जन जिंदा बा लोग। हमारे बेटा बेटी जिंदा बा, हमारे बेटा बेटी जिंदा बा। हम तो लगे हाथ जोड़ता नहीं मैनेजर साहब, हमारे बेटा बेटी से हमारा के मिलवा दा, हमारा के मिलवा दा, हाथ जोड़ता नहीं तुरा सामने मैनेजर साहब। ठीक बा बड़े मालिक, जब समय आ जाये ठीक समय पे वो दोनों जने से हम रउआ के मिलवा दे। सरकार हम जाता नहीं, ना तो वो दोनों हमरा के मरिए सन। रउआ खाना खा ले मालिक, हमार क्रिया। अरे मैनेजर आवता नहीं, हमार बेटा बेटी चिंता बा, जिंदा बा हमार बेटा बेटी। ये श्रोता तो हर बेटा बेटी जिंदा बा, जिंदा बा तो हर बेटा बेटी। जय हो नाग देवता की, बेटा बेटी जिंदा बा। सर्वार्थ सर्वार्थवादे सर्वे देवी नारायण।
बात करत रे एगो सांप हमनी के सार आदमी के मुंह अदलस ई कैसे हो सकेला भैया वो कोनो साधारण सांप नहीं है बुझा हां भैया हमरा तो बुझाता कि 20 साल पहले जौन सांप उ बच्चा लोगन के जिंदगी बचवले थे ना हो ना हो ई उहे सांप होखे हां मलकिनी उ सांप ई लोग के कुल देवता हवें हमरा तो लागता कि उ सांप रउवा लोगन के कहीं काम तमाम ना कर देवे हमरा तो सांपे से बहुते डर लागेला भैया कोनो तांत्रिक मांत्रिक होके तो बुलाई जान बा तो जहान बा तांत्रिक के पता हमरा लगे बा सरकार कहीं तो हम बताई बोल बोल जल्दी बोल सरकार एगो बाबा 20 साल से समंदर किनारे तपस्या करत बड़े उनका के देखते सांप बिल्ली में घुस जाला कहीं तो रउवा लोग के लेके चली हम पक्का मन हमरा विचार से ओकरा लगल चलल जाओ चल हम आओ आई सरकार कि हमें पाकिस्तानी बाबा पाकिस्तान से भाग के आइल बड़े प्रणाम पाकिस्तानी बाबा यह कहे सरकार उतांत्री प्रणाम बाबा इनका डर से सब सांप बिल में घुस जाला इनमें के रउवा लोग के जान बचा सकेली कौन है ये लोग और हमसे क्या चाहते हैं बाबा बाबा हमने के रांची स्टेट के मालिक है बाबा एगो सांप के कारण हमरी बड़ा परेशान है बाबा हमने के जहाँ जहाँ जात बानी वही जा पहुँच जाता बाबा हमने के खायल पियल हकल मुतल सब बंद हो गल बाबा जब लोग सांप से बच जाई तो रांची स्टेट के असली मालिक के खून कह के मगर सारा धन संपत्ति हड़प के तब मालिक बन जाए लोग दूसरा के सामने सब बात कहल जाएगा चल खरे तुम्हें तो बता बता बाबा अरे वो नाग नागिन से हमनी के बचा लिए बाबा अरे वो नाग नागिन हमनी के जेल दुश्वार कइले बाड़न सो एक बार ओकनी से हमनी के जिंदगी बचा ली फिर रउवा जितना कहब उतना पैसा रउवा के देवे खातिर तैयार बानी बाबा कबो जीभ निकाल के डरवावता तो कबो मुंह से आग निकाल के हमनी के डरवा रहल बा ए बाबा बस एक बार उस सांप से मुक्ति दिलवा दी बानी ऐसा कौन सा सांप जिससे तुम लोग परेशान हो मैं उस सांप को देखना चाहता हूँ हाँ बाबा चली ना हमनी के साथ दिखा देता नहीं चली गैल्टनगंज बाबा चली 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 चलो वो सांप गैल्टनगंज में मिले बाबा इतना मेहनत करला के बाद बस इतना ही कमाई भइल अरे कौन है लो अरे भांजा हमने तहरा के कहां कहां ना खोज ली कहां भाग गए रहले आए हमार हाथ बड़ा दिन से खुजलात रहे बहुत दिन हो गल रहे तोहर पिटाई कैला छोड़ हमने के रास्ता ए पकड़ ल सने के निके छोड़ हमने के छोड़ 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 हमने छू दे ना तो तोनी के जिंदा धरती में गाड़ दे ये हमने कदम आ बतावा नहीं तोरा के
पहला बेर हमार भगिना बड़ा अकलमंदी के बात कहले बा। अरे भैया अरे लगवा बे एकरा संग उठा कागज पे। अरे लगवा अरे भैया अब हमनी के करोड़पति हो गई नहीं जा। करोड़पति ना भाई अरे पति हो गई नहीं बुझाता अपने छोटे सरकार के एकनी के मार दी है सर। अबे एकनी के का कहिल जाओ एकनी के रोल छिला के आग लगा दो जाओ रोल छिला के आग लगा दो है। वो नाग और नागिन कहाँ है? अरे एकनी के जल के मौत जाए और नाग और नागिन के खोज के निकाल दे हम जा। अरे पेट्रोल छिड़का सर कारे बने जरा जी सरकार वो जर के मरे के बाकी चले के ना सरकार हम तो रोवे पार्टी के बने चली चल 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 हे नाग देवता चलो लोग के रखे निभाना पड़ेगा। जिसकी वजह से हमारी जान बची है उसका बदला हमें लेना पड़ेगा। हाँ नागेश इन पापियों के पाप का घड़ा भर चुका है इसलिए इनका अंत करना जरूरी है। हाय देखा जीजा जी तो हर बेटा के अंगूठा के छाप हमने के ले ले बानी। अब तो हार पूरा संपत्ति के मालिक हमने के बानी। एगो बहुत बड़ खुशखबरी बा जीजा तोर बेटा बेटी के हमने के मार देनी जा। बड़ा मन रहे ना तोर अपना बेटा बेटी से मिले के तोरो सपना पूरा हो जाए। सपना तो पूरा हो ये रुक जाए सरकार रुक जाए। हो देखी पेपर पर जाए मुठा के निशान उड़ गई बा। तो सच उठा के निशान मिट गई। दादा ये कैसे मिट गई? पकावन तू पक्का निशान ले ले डाला ना? अरे हम सच उठा के निशान ले ले रहनी। ए भैया हमने के तो फिर से भिखारी के भिखारी रह गई नहीं हो अब का होई? अरे भैया हाथ पे हाथ धरे का समय नहीं के। हम तो कहता नहीं कि हमार बात माना गाड़ी निकाला चला डाल्टनगंज। शिवा के बचावल बहुत जरूरी बा। 20 साल के तपस्या पे पानी फिर जाई। हाँ ठीक है लड़ा। देखी सरकार अभी तक ले तो उलट जर के मर गई होगी फिर अंगूठा केकरा से लगवाई? कम से कम होकर हाथ तो मिल जाए ना तो हमने के बर्बाद हो जाए। बहस मत करी जल्दी चली ना तो फिर से झाड़ू पोछा करेगी पड़ी। अरे भैया हिला पेपर चला जल्दी गाड़ी चालू करा सीधा गंगोत्री स्टेशन लेवल पहुंच जाओ। तोरे बाल बच्चे को मार देला। रोवा चिंता मत करी माली रोवा चिंता मत करी। हाय देखी पेपर पर से अंगूठा के निशान मिट गई।
नाग देवता के सब चमत्कार बा, हमरा विश्वास बा मालिक, उ लोग जहाँ भी हुई एकदम सही सलामत हुई। जय हो नाग देवता, हमारे छोटे सरकार के रक्षा करो, हमारे बाल बच्चा के रक्षा करिए नाग देवता। मामा हमने के बचा ली, अब हमने के घर छोड़ के कब्बो न जाइब जा। पकावन, अरे कहीं सपना तो न देखता नहीं? हाँ भैया, इसे मैं बुझाता। अरे तेरी दांती काटा था? ये कहाँ दांत काटे के खेल खेला ताड़ा लो? ये सपना ना सही है, हटा, देखा था? हमार बेटा, हमार बाबू घरे आ गई। अब हम तोनी के छोड़ के कहीं न जाइब माई। तोरे बिना हमार रो रो के बुरा हाल हो गेल रहे बेटा। ये तो हर पतो है। कितना सुंदर पिया हमार पुतो। दोनों मामा हमरा के बहुत मरले हैं, बहुत दुखा था, बहुत दुखा था। ये दोनों के हाथ में तो कोट फूट जाई। हमार बेटा के कितना बेरामी से पिटलस हा। ये दोनों ना अगर अगली बार तोहरा के बेरामी से पिटलस ना तो तू हमरा के बताइया, ये दोनों के हाथ पैर तोड़ दे। अरे भगीना, माफ करता भगीना, हाथ जोड़ता नहीं, क्रिया खा के कहता नहीं, आज के बाद कबो तोरा पे हाथ ना उठाई। हाँ भगीना, ए भैया तने ए भगीना हमरा के माफ कर दे भगीना, अब तोरा पर कहियो ना हाथ उठाई। ले भगना, ये कागज पर जल्दी से अंगूठा लगा दे। अरे आता ना जल्दी काबा मामा, आ गई बन जानो, खाना उना खैला के बाद। ए माई हमारा बहुत जोर भूख लगल बा, खाना उना ना खेबू। हाँ हाँ बेटा, पहले खाना वाना खा ला, फिर अंगूठा लगा दिया। चला तू चला बहू, चला चला भगवान। राउर लीला परम्पार, घर के चिराग के बचा लेंगे। जय हो नाग देवता, जय हो नाग देवता। मालिक मालिक, अरे है देखे हम केकरा के लेके आयल बानी। उठी मालिक, छोटे सरकार। क्या है मैनेजर साहब? राउर बेटा बेटा, छोटे सरकार, भाई राउर पतो बड़ी नगीना। कहाँ? हमार बेटा। हाँ हाँ। शिवा जी, तू कहाँ चल गई ला हमरा के छोड़ के? बाबू कहाँ चल गई ला हमरा के छोड़ के? कहाँ चल गई ला? हम तो रह गए का गाना खोजनी। 20 साल के बाद तो रह गए करजा से लगाई नहीं है बेटा, करजा में ठंडक पड़ गई। अब तू हमरा के छोड़ के कहीं ना जेबा बाबू। हमार बेटा, अब हमरा छोड़ के कहीं ना जेबा ना बाबू जी। ज्योतिया कैसन दिया? बाबिया एकदम ठीक दिया बाबू जी, ओकर शादी हो गई। का? हाँ, आओ बहुत जल्दी रुआ से मिले खातिर आई। अच्छा, रोई मत बाबूजी, अब हम आ गए ना। बहुत याद आत रहे। हाथ से वो चालीम सबन के रोए के दिन शुरू हो गए बाबूजी। कहाँ मर गए? कहाँ चल गए लोग? तो बुढ़वा के साथ लेके आ गई।
बेटा ये तो हर बाबूजी बाड़न। हमार बाबूजी से मुलाकात भइल। देखा ना खारे में घुसे रहेलन, कितना कहली कि बाहर भीतर आई जाई, पर हमार बतिये ना माने ले। कितना बार जीजा जी के कहले जा कि बाहर निकलल कर, घूमल फिरल कर, लेकिन ही हमने के बतिये ना माने लन ता। चुप बेटा, ये सब झूठ बोलता रह सर। ये तार में तारी नहीं के डाइन या डाइन। 20 साल से ही तोरा जबर के दूर रख ले बड़ा सर। 20 साल ले ये घर में बंद करके जानवर ले कमर के रख ले बड़ा सर। बेटा लेकिन ये बात पर भरोसा मत करिए बेटा, चलो हम ये कहीं दूर चले जाइए ना, तो ही तोरा के मार दिया सन बेटा, फिर जबर से तोरा के छीन लिया सन बेटा। जाए जी बाबूजी, रवा हमरा की मिल गई ना, अब हमरा कुछ न चाहिए। सारा धन संपत्ति इन लोग के देके हमने के कहीं दूर चल चले गए। नगीना बाबूजी के तनी बाहर ले जाता हूँ। चलिए बाबूजी। सुनो बेटा, चाहे दी बाबूजी चली। निके डाइट है वसन, लक्ष्य से वसन, जल्दी आओ बेटा। बेटा आव बैठा, खाना खाला, भूख लागल होई ना, हम परोसा तानी ना माई। मामा ले आवा पेपर, हम अंगूठा लगावे खातिर तैयार हैं। दादा जल्दी ले ले ला भगना, ले ला ला भगना, यही जो अंगूठा लगावे के भैया स्टैंप दे दादा दा। अरे ये क्या कर लेते, इतना हिम्मत करके कागज फाड़ दे ले। बड़े मालिक छोटे सरकार, कितना सुंदर पतो हो लेके आयल बानी, देखला पे मियाज खुश हो जाता। बड़े मालिक जीजा जी, जीजा जी, जीजा जी, जीजा जी हमरा के बचा ला, जीजा जी हमरा के बचा ला। अरे उसी में हमरा के बहुत पारा था जीजा जी, अरे बचा ला जीजा जी, हमार जान बचा ला। तू मारो पारा था, हमरा के बहुत पारा था जीजा जी, घर में बचा ला सब खाएगा। अच्छा ले बाबा, अरे मारी तू ले बाबूजी पेपर कौन सा हम हाथ जोड़ा ताने से बचाई हमने के, देखी हमारे भाई के पूरा कपड़ा गहना उतार ठीक बा, वही कपड़ा दी जौन कपड़ा पहन के पहिलका मरतबा एक घर में जा, अगर न उतार सन घंटा मार के उतर। लावन बाबू तेरी जल्दी कपड़वा खोली तो हे पकावन, क्या देखा जा रहे जल्दी खोल खोल जल्दी। आज हमरा करे छ में ठंडक पड़ गई, बड़ा दुख दिल रहा सैनिकनी के बेटा, आज मन खुश हो गई बेटा, आज तो हर माई की आत्मा बहुत खुश हो गई तोहरा के रूप में देख के। बाबूजी बहुत खुश हो गई लोग। भैया आज पता चलो कि समय कैसे बदल जाला। समय हमने के नेखे बदल हो पकावा,
हमार सीवा बदल गई, पता नहीं ओकरा में कौन सा शक्ति सब आ गई कि हमनी के धोबी के कपड़ा के तरफ पीट पीट के पीट पीट के पीट पीट के धोबिया पाट के तरफ मारला सा। ओ भैया पता लगा बा भैया, काहे कि ई अपन सीवा नहीं खे बुझात। हमरा तो बुझाता कि जैसे सीवा में केहू दूसरा के आत्मा समा गेल बा। सही कहता रू दीदी, सब पता चल जाई, सब पता चल जाई। लेकिन हमरा के बहुत जोर से भूख लगल बा बहिनी, अरे कुछ खाना उना खिलाए बू। चलो हम खाना खिलावत नहीं। हाँ हाँ जल्दी चला जल्दी चला चला। अरे माई कहाँ जाता नहीं? तुहार मामा के भूख लगल बा बेटा, उनकरे खाना खिलावे ले जाता नहीं। आता ना जल्दी जल्दी खाना खाइबू तो हमार तो पूरा महले बिका जाए। हफ्ता में सिर्फ 2 दिन खाना मिली, चला चलो काम करा। मैनेजर चाचा जी छोटे सरकार, इकनी के 3-3 दिन पर खाना दियो। जी सरकार। आसाम के काम खत्म भइला के बाद इकनी के सूते के व्यवस्था सर्वेंट रूम में कर दियो। आ सुना लो, अगर इस महल में कदम रखे की कोशिश कर लो तो टंगिया तूर दे। ना तो हमरा के नौकर के घर में नींद ना आई भगना ना आई। जब हमनी के एक घर के असली मालिक हो के 20 साल तक वो कमरा में सुतनी जाए तब तो हनी के तब पैदाइशी भिखारी हवा सो तो हनी के नींद ना आई। चल भाग यहाँ से। ससुर हाँ वो सुतला से पहले ना आके हमार देह दबा दे, बिना देह दबाई ले हमरा की नींद ना आवेला। आ जाइए। हाँ सुनी ना, हमरा के बाजारे ले चली ना, तनी हमरा ला नया नया कपड़ा कीन दी। हाँ हाँ काहे ना, आखिर तू ये स्टेट के मालकिन हो, चला कीन दे तनी। सासू माँ राती के आ जाइए, बिना तेल लगवाइले हमरा की नींद ना आवेला। एकरा के कहल जाला शेर पर सवा से। कारे भुलावन पाड़े का कहत रहले हमनी के मैनेजर आ? आज के बाद से हमनी के मैनेजर साहब कहबसन। का कहबसन? मैनेजर साहब। हाँ ना तो कुछ और ही कह देला लोगिन तो मार के मुंह फोड़ दे। तोहनियो के बदल गए ले, जेने देखले खीर ओने गए ले फिर। अरे हमनियो के फिर समय आई, घबरा सन मत, आई समय आई। अरे ये तो संसार के नियम बा, जेकर पार्टी मजबूत होला ओकरा में ज्वाइन कर लियल जाला। पहले तोहनी के पार्टी मजबूत रहे तो तोहनी के संग रहनी, आज हमरा मालिक के पार्टी मजबूत बा तो अपन मालिक के संगे बानी। चल जल्दी काम करे, चल काम कर, काम चल 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 जल्दी। ओइजा का खड़ा बनी, चली जल्दी आई, तेल लगा दी, चली। हमरा की नींद नहीं खावत, आई जल्दी। और हाँ
बिहाने जल्दी आ जाइए वरना मार मार के टांग तोड़ दे। चल भाग। तक का सोच ले बानी रउआ लोगन, हम तो कहता नहीं भाग जाए जा अपने गाँव में, ना ही घर में इज्जत बा ना प्रतिष्ठा बा, पतो हो के सास से दे दफावत पिया, मुंह में सतुआ सन ले बड़ा, बोल बा कुछ हो। अरे आगे सब ठीक हो जाए, इतना जल्दी हमने के हार मान ले, बहुत बेइज्जती करला सा, इतना जल्दी हमने के हार ना मानब। तक का करबा, आज तक कुत्ता लेखा दौड़ा दौड़ा के मरला सा, बिहार चारों जने के चीता यही जा जरा दीता, हमने के चीता जरा वैसे पढ़ ले, हम ओकर चीता जरा दे, इस तरह हाथ पे हाथ धर के बैठला से काम ना चली, तो पता चला कि जोन संपत्ति बान हमने के हाथ से निकल गए। वो सब तो ठीक बा, भूख से जान निकल जाता, तीन तीन दिन पे खाना दे तो हम तो मर जाए, हम ना रहे भी घर में। ककड़ी हम तो हर बाप के घर जाए, भिखारी के बेटी इतना मारम इतना मारम तोरा के ना बार बार तोहर बंद हो जाए। मारा ना मारा, बोल बे, बोल बे दादा, जब तक कुत्ता जैसा लड़ रहे लालू तब खोल करके धैले पड़न जा। अरे ये सोचे के चाहिए कि ओकनी के कैसे मारे के बा, कोनो उपाय सोचे के चाहिए तो जब तक तब दमखोल जे खेले पड़न जा। हम तो सोचा था नहीं कि कोनो तरीका से आज के रात ओकनी के हम मार दी। तो ठीक कहा तेरे पकावन, ना रही बांस ना बाजे बसली, मार दे ओकनी के। मार दे आप दे ओकनी के। लाज लागे बोले में हो, पढ़ला अखिया के भाषा सैया, लाज लागे बोले में, लाज लागे बोले में, लाज लागे बोले में, दिल के भेद खोले में। कहता दिलवा के बतिया कहे लाज लागे बोले में, वो कहता दिलवा के बतिया कहे लाज लागे बोले में। जब हमके मान लिहले बाड़ू सजनवा, काहे सकुचाला तब गोरी तोहर मनवा। हाय जब हमके मान लिहले बाड़ू सजनवा, काहे सकुचाला तब गोरी तो हर मनवा। काहे के चाहे तोसे ढेर सारी बतिया, ना जाने काहे पिया धड़के ना छतिया। तक कहता दिलवा के बतिया कहे लाज लागे बोले में,
सजनिया प्यार बिन सुनावा हमार जिंदगनिया पूरा होई मन के आशा कहे लाज लाग बोले में हो पढ़ला पखियों के भाषा सैया लाज लाग बोले में लाज लाग बोले में भेद खोले में पढ़ला पखिया के भाषा सैया लाज लागे बोले में कहता दिलवा के बतिया कहे लाज लागे बोले में तू कहता रुकी घर छोड़ के चल जाई जा। अरे वाह, ऐसे कैसे घर छोड़ के चल जाई जा? तनी को दिमागे नहीं की। काका ना कहीं नहीं जाए घर खाते। बताओ भैया, वो दोनों के मारत मारत लेका से जवान कर देनी जा। और आज ये कहता रुकी घर छोड़ के चल जा। मर जाए भी घर में कबर खोदा जाए, लेकिन ये घर ना छोड़ा। अगर ही दोनों नाग नागिन हमें तासली सेवा कहाँ गई आखिर सोचा। हाँ पगा, तू ठीक कहते बारे। सोच सोच जल्दी उपाय सोच, सही में असली सेवा कहाँ गई? हाँ भैया, हम तो कहता नहीं कि वो पाकिस्तानी बबुआ से मिल जाओ। वही कोनो ना कोनो उपाय करी एकनी के मारे खातिर, चाहे हमनी के जितना पैसा लग जाए दिहल जाए, लेकिन वो पाकिस्तानी बबुआ के लेके आवल जाओ अपना हवेली में। हाँ भैया तू ठीक कहता है। तू ठीक कहता है बगावत। चला वही बबुआ ये नागिन नागिन के पकड़ के ले जाए और असली सेवा के पता लगाए। दीदी वो दूध नागिन 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 ये पंडा जा रखी हो। रही हम जल्दी आवा कहीं के बबुआ के लेके आवा था नहीं जा। चल माटी के तेल डाल के दुनू के जला के मार देहल जाए, सारा पहाड़ी खत्म हो हो गए नीलू के दारू तो नहीं के पी ले ले बुटी नाथ देवता। जय हो नाथ देवता, जय हो। और समझ में आई नीलू के काम तो तमाम हो गए बा। रहो बुलावन। अरे कहाँ बड़ा हो? कहाँ बात है मैनेजर साहब? तरह में रारू के और तारा बहिन के दोनों जने के साथ काट ले बा। अरे वो दोनों जन मर गई लोग, जल्दी आवा जल्दी। गाड़ी पीछे कहाँ घुमा होता है? मालती और सरीचर के साथ काट ले लोग। कहाँ? ए मैनेजर साहब, ये अकरो सब गोइली सोन। साहब घर के सत्यानाश को के रख ले रहा। ठीक को होता है। चुप 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 चुप। आवा
बताओगे भी या रोते रहोगे? बाबा अपने के बचा ली बाबा। सीमा नगीना तो नहीं चढ़ारी नाग नागिन हवे बाबा। हमार बहिन हमार मेहरारू के काट के मुआ दिल से बाबा। विश्वास देखे तो हमार भाई पकावन से पूछ ले बाबा। एकदम सही कहता रे भुलावन भैया। कबो उस सीमा नाग बन जात रहे तो कबो नगीना नागिन बन जात रहे बाबा। अब रहू रे अजरा भाई पाकिस्तानी बाबा। हमने के जान बचा ली। अपने की जान गई बानी जा। क्यों दोनों नाग नागिन शिव और नगीना के भेष में हमनी से बदला ले तरन सा। ए बाबा तू हमर भौजाई और हमर बहिन के काट के मुआ देला से बाबा। अब हमरा डर बा कहीं वो हमनियो दोनों के काट के मत मुआ दे सन। अब चिंता नहीं करना है। इसी नाग और नागिन के कारण मेरे अब्बा का इंतकाल हुआ था और मैं 20 सालों से इस नाग और नागिन के कारण रूप बदल बदल के भटक रहा हूँ। अब मेरा सपना पूरा होगा इंशाल्लाह। देखो भुलावन, मैं तुम्हें उस इच्छाधारी नाग नागिन से बचा सकता हूँ और तुम लोगों को शिवा के सारी संपत्ति का मालिक भी बना सकता हूँ, लेकिन तुम लोगों को मेरा एक काम करना होगा। तू हवेली अरे दौलत खातिर तो हम कुछ कर सकेला। अरे उहे हवेली खातिर तो हमार बहिन और हमार भौजाई के जान गई। बाबा कही ना का करे के बा कुछ करे खातिर तैयार बानी। बोले बोले झट है और हम चाहते हैं कि घाट पर तुम लोग बम फिट करो ताकि लोगों के चितने चितने उड़ जाए। ठीक बा, लेकिन बाबा एकरा बदला में हमने के इनाम का सब कुछ मिल जाएगा। काली पांडे की संपत्ति और 5 करोड़ रुपए। 5 करोड़ भैया। बाबा समझे कि काम हो गए। लेकिन वो तो ठीक बाकी सपोह से हमने के रक्षा के करी है बाबा। चिंता करने की कोई बात नहीं है, हमारा गरुड़ तुम लोगों की रक्षा करेगा। जॉन कहत अनिल उहे करब हम। लाश के ढेर लगा दे, खून के नदी बहा दे। हम सुननी है भोलावन भैया तू शिवा और नगीना छठ कर तरन सर अपन परिवार के बदला लेवे की यह सही समय में हम ब्लास्ट में उहो दोनों मर जहन सा चला रहा होने का चिता वही करा दे। जानी कितने लालची होते हैं, कागज के चंद टुकड़ों के लिए अपना ईमान धर्म सब कुछ बेच देते हैं। तभी तो हम पाकिस्तानी इनको लूटते हैं, खून की नदियां बहाते हैं। एक दिन ऐसा आएगा हिंदुस्तान पे पाकिस्तान राज करेगा।
भैया एकदम सोरा आना सच कहता रे। अरे कौनो बम ब्लास्ट ना भइल, वो दोनों नगवा नगिनिया छठ घाट के बचा लेवन चाहे बाबा। मुझे सब पता, अब और कुछ करना पड़ेगा। बाबा बाबा गजब हो गए बाबा, चिवो और नगीना दोनों जिंदा बा, हम अपन आग से देख के आवता नहीं। ये तो अच्छी खबर है, तुम सब जाओ और उन सबको उठाकर अपने अड्डे पर लेकर आओ, और हाँ काली पांडे को भी लेके आना। अरे शिवा देख लिया जाए, शिवा लगी ना तुझे देख ली। अब मैं इन इच्छाधारी नाग और नागिन को अपने अड्डे पर आने के लिए मजबूर कर दूंगा। देखो काली पांडे, ये है तुम्हारे असली बेटा और बेटी। हमार बेटा बाबूजी, हमार बेटी, हमार बाबूजी। छोड़ा रखा है। देखो शिवा, तुम्हारा बाप अभी जिंदा है, लेकिन 5 मिनट में इसका इंतकाल हो जाएगा। अगर अपने बाप को जिंदा रखना चाहते हो तो बुलाओ इस इच्छाधारी नाग और नागिन को। मैं एक ऐसे सांप से टसवाने जा रहा हूँ जिसके विष से वही तुम्हारे बाप को बचा सकता है। तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट का वक्त है। ना बेटा ना, जब वो नाग और नागिन इसके बेटे और बहू का रूप में आ सकते हैं, तो इसका विष निकालने के लिए वो दोनों यहाँ जरूर आएंगे। सिर्फ तुम्हारे पास 5 मिनट है, बुलाओ उस इच्छाधारी नाग नागिन को, क्योंकि वही दोनों अब तुम्हारे ससुर का जहर निकाल सकते हैं। Bye.
लेके आई बड़े इच्छाधारी नाग नागिन के अपना देश ले जाए के उहे सपना तो काल हो जाए। छोड़ दे हमरा कुल देवता के। ए, कौन रोकेगा मुझे? मैं पहले तुम सब लोगों को मारूंगा और इस सांप को अपने देश लेके जाऊंगा। उसके बाद इसका विष निकाल के एक ऐसा जहर बनाऊंगा कि पूरे हिंदुस्तान को तबाह कर देगा। तू मुझे कहीं नहीं लेकर जा सकता क्योंकि तेरी मौत का कारण मेरी बेटी बनेगी। तुम मेरी बेटी हो नगीना? हाँ नगीना, तुम मेरी बेटी हो। तुमको मैंने अपनी कोख से जन्म दिया है। प्रिय, पूर्णिमा की रात को हमें अपनी सर्प योनि को धारण करना होगा। नहीं नागराज, मैं सर्प योनि धारण नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि मैं गर्भवती हूँ। ये तो बड़ी दुख की बात है। तुम जिस बच्चे को जन्म देना चाहती हो, तुम्हारे मनुष्य रूप में गर्भ धारण करने के कारण वो बच्चा कभी सर्प योनि धारण नहीं कर सकता। उसके जन्म के बाद उसको यहीं छोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब मैं अपने बच्चे के बिना ही रहूंगी? नहीं नागराज, मैं अपने बच्चे के बिना नहीं रह सकती। कोई उपाय बताइए ना। इसका उपाय तो शिवजी ही बता सकते हैं। तुम्हें जन्म देने के बाद मैंने तुम्हें भगवान शिव के मंदिर में छोड़ दिया, जहाँ से तुम्हें जानकी अपने घर ले गई। हाँ बेटी, तुम हमारी बेटी हो। तुम अपनी शक्ति दिखाओ और इस पाकिस्तानी की घमंड को चकनाचूर कर दो, ताकि कोई भी पाकिस्तानी हमारे हिंदुस्तान की तरफ सर उठा के भी ना देख सके। जितनी शक्ति मुझ में है उतनी शक्ति तुम में भी है। तुम अपनी शक्ति दिखाओ और इस पापी का सर्वनाश करो। इस पापी की शक्ति इस गरुड़ में है। सबसे पहले इस गरुड़ का वध करो। तुम तीन बार मेरे साथ भगवान शिव का नाम लो। इंसानियत के दुश्मन। पानी की कीमत रेगिस्तान से पूछ, नारी की कीमत हिंदुस्तान से पूछ, नगीना की कीमत अपने पाकिस्तान से पूछ। नगीना के विष से तू पूरा हिंदुस्तान के तबाह करे की सोचा ताड़े? आज उहे नगीना तोहर काल बन के तोहरा सामने खड़ा दिया। बुला अपन पाकिस्तानी आतंकवादियों के। उन सब आतंकवादियों के खातिर ई नगीना ही काफी बिया। और आज जवन रास्ता से तोरा महतारी तोरा के इस धरती पे जन्म देने दिया ना, आज अगर उहे रास्ता से तोरा के ओकर पेट में ना घुसेर दियनी तो हमार नाम नगीना ना। जय शिव शंकर।
नगीना अब मैं जा रही हूँ, तुम्हारी जिंदगी भगवान शिव सुखी रखे। बेटा बाबूजी आओ बेटा। जूती हमार बेटी, हमार बेटी जूती। अल्लाह देता हमनी के फिर से मिला दे। कपो ना जाए बाबूजी, अब हमनी के कोनो दुश्मन। जय हो नाथ, जय हो नाथ।